So now kids, we go forward to the new chapter from your book Grammar Glitter Odyssey by Brain Root from Amit Publishing House, chapter number 6, and the name of the chapter is Determiners. So determiners kya hote hain? Determiners is a word that introduces a noun. Theek hai? Ki wo noun kaun si category mein aata hai, that is the meaning of a determiner. इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. ओके, ये नाउन से पहले प्लेस करते हैं हम टू स्पेसिफाई पोजेशन और क्वांटिटी और टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रिफर्स टू. इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव. किसी भी एडजेक्टिव से भी ये पहले लगेगा. यूज टू डिस्क्राइब द नाउन. जैसे द बॉय वेंट होम. द बॉय वेंट होम मतलब हम किसी पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं. सो द इज पर्टिकुलर बॉय को कौन डिफाइन कर रहा है? द. सो दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनर. ओके, आई मेट द ब्रेव बॉय हु सेव्ड अस. आई मेट द ब्रेव बॉय. यहां पर भी आप एक पर्टिकुलर ब्रेव बॉय की बात कर रहे हो. सो यू आर पुटिंग द डिटरमिनर हियर. अब डिटरमिनर ना कैटेगरीज ऑफ डिटरमिनर आई हैव टोल्ड यू बिफोर. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड इंटरोगेटिव्स. आर्टिकल्स में क्या आता है? ए एन द, ये तो आपको पता होगा. तो ए एन द, दे आर डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स. द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, वेयर एज ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स. तो जब आपको किसी डेफिनेट चीज की बात करनी है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट करना है, सो यू विल यूज द. और अगर आपको कॉमन इनडेफिनेट चीज की बात करनी है, सो यू विल यूज ए और एन. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द रिफर्स टू अ स्पेसिफिक बॉय. द यंग बॉय स्टोल द पर्स. ये तो नहीं है कि सारे पर्स चुरा लिए. द पर्स. अ बॉय एंड अ गर्ल वेंट टू स्कूल. ठीक है, सो इनडेफिनेट. अब हम जल्दी से आगे चलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर. Demonstrative determiners are demonstrative adjectives, okay, basically, which point out the noun before which they are used. क्योंकि noun, adjective, इन सबसे ये पहले use होते हैं, तो इसे point out करते हैं. जैसे कि this book is very useful, these grapes are sour, can you see that picture clearly, those boxes are very heavy. तो सब noun से पहले use हो रहे हैं, but पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं? नाउन को. ओके, दिस एंड दीज शोज नियरनेस. दिस एंड दैट आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स. दीज एंड दोज आर यूज बिफोर डिटरमिनर्स. माय फादर इज अ डॉक्टर. हर ड्रेस इज वेरी प्रिटी. आर हाउस इज लोकेटेड इन द बेस्ट पार्ट ऑफ द टाउन. सब नाउन से पहले यूज हो रहे हैं. दीज आर कॉल्ड पजेसिव डिटरमिनर्स. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स. It functions as determiners and are used to show how something is shared or divided. जैसे कि each book has been put in its proper place. Several members disagree on the core issue. Now the quantifiers, इसमें हम बताते हैं how much or how many of the noun they are. जैसे कि सम क्वांटिफायर्स आर ऑल, एनी, इनफ, लेस, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बोथ, ईच, ईदर, फ्यू, फ्यूअर, नीदर एंड सेवरल. आई कैन मैनेज अ बाथ विथ एनी सोप. तो ये कौन सा आपका हो गया? क्वांटिफायर डिटरमिनर. देन कैन आई हैव सम ओल्ड न्यूज़पेपर? ओके, सो दीज आर कॉल्ड क्वांटिफायर डिटरमिनर. देन अगेन इंटरोगेटिव questions words like which, what and whose act as determiners as they introduce specific noun in question, like which state do you belong to, what name do you think we should give to our dog. We also use any when we wish to suggest that we are not. Okay, ye aapko interpretation yaad rakhni hai. Now complete the sentences given below with the suitable determiner given in the brackets. So this is a very easy and interesting exercise. Meg used dash sketch pens to complete her project. Sketch pens hain,
तो क्या आएगा, दीज स्केच पेन्स. डैश पिक्चर वॉज पेंटेड बाय पिकासो. दैट पिक्चर वॉज पेंटेड बाय पिकासो. कैन यू गिव मी नोटबुक. नोटबुक के आगे एन तो आएगा नहीं बिकॉज दिस इज नॉट अ वोवल. ओके, और अगर वो बुक मांग रहा है तो वो कोई स्पेसिफिक बुक होगी. सो कैन यू गिव मी द नोटबुक. मेव इज डैश ऑनेस्ट मैन. मेव इज एन ऑनेस्ट मैन. ऑनेस्ट इसमें साउंड वर्क करेगा. ओके, ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, सो यू विल पुट एन. डू यू नो डैश स्कार्फ इज दिस. ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. हूज स्कार्फ इज दिस. डैश बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग्स टू ऋषिक. दैट बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग्स टू ऋषिक. नाउ कैन आई गेट डैश हॉट बोल ऑफ सूप. कैन आई गेट अ हॉट बोल ऑफ सूप. श्रेया गॉट डैश ब्यूटिफुल सोवेनियर फ्रॉम पेरिस. श्रेया गॉट अ ब्यूटिफुल सोवेनियर फ्रॉम पेरिस. ओके, रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स यू विल डू योर सेल्फ. इन द पैसेज बिलो अंडरलाइन द इनकरेक्ट डिटर्मिनर इन ईच लाइन देन राइट द करेक्ट वन इन द ब्लैंक. आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा. इट इज वेरी ईजी टू मेक द बोल ऑफ रशियन सैलड. टू मेक अ बोल ऑफ रशियन सैलड, राइट, विथ फुल अ किलो ऑफ शेल्ड पीस. तो फुल अपने आप में ही एक क्वांटिफायर है, उसमें हमें इस ए को लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, पील एंड क्यूब द पाइनएप्पल, राइट. नाउ मिक्स सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन अ ग्लास बोल. मिक्स सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द ग्लास बोल, क्योंकि बोल कैसा है, ग्लास बोल. ओके, एड नीदर स्लाइस्ड चेरीज और ग्रेप्स. एट ईदर, ईदर स्लाइस चेरीज और ग्रेप्स. नाउ सी द सी एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स यूजिंग सूटेबल डिटर्मिनर्स. अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मे बी यूज्ड. आई हैव लॉस्ट माय पेन. माय, योर पेन इज इन दैट बॉक्स. मे आई यूज इट. विजय, ऑफ कोर्स. आई हैव टू पेन्स और आई हैव थ्री पेन्स. ओके, आई हैव वन पेन इन माई पॉकेट टू. तो यह यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वान्टिफायर, चीज़ों के नंबर्स बता रहे हैं. आई हैव रिसेंटली बॉट दीज पेन्स बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव लेफ्ट देम एट होम. बाय द वे योर पेन राइट्स वेरी वेल. सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर. ओके, सो इस कन्वर्जेशन में आप अपने आप डिटर्मिनर्स को फिल करेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ ईदर, नीदर, ईच और एवरी. इन चारों में से आपको यहाँ पर फिल करना है. इन सम केसेस मोर देन वन चॉइसेस इज पॉसिबल. दो चॉइसेस भी ठीक हो सकती हैं. डैश एलिजिबल एडल्ट शुड कम टू वोट. सो यहाँ पर क्या आएगा, ईच और एवरी, कुछ भी आ सकता है. डैश मेंबर ऑफ द ग्रुप वॉज गिवन अ ड्राइविंग टेस्ट. Each member of the group was giving a writing driving test. Yes, trees have been planted on each side of the road. You can buy dash pair of trousers. Both of them are equally good. You can buy either pair of trousers. ठीक है, कोई से भी खरीद सकते हो आप. Dash time I go to Knott Place. I get caught in a traffic jam every time. Okay? It wasn't a good match. Neither team played well. Right? So, rest of the sentences you can fill yourself. Complete the following passage using appropriate determiners. Aapko yahan par appropriate determiners bharne hain. Dash flights were cancelled at Toronto. All flights were cancelled at Toronto Pearson International Airport, including all incoming and all outgoing flights on Friday. Okay? So, at Pearson,
Pearson, by mid-evening there was growing anger among all passengers who were standing at the airport. They said that they set in two planes, okay, yeah, they set in two planes for hours को आप शो कर सकते हो 3 hours. They set in the plane for 3 hours only to be taken off and told to rebook. Okay. Now choose appropriate determiners from the box to complete the sentence. I will write my name on each book. Okay. The children are walking with their parents. Dash tree were uprooted in the storm. Many trees were uprooted in the storm. Dash team won the game. It was a... Now, parts of the letter are the opening format, salutation, the subject of the letter, the body of the letter. So, the opening format is the sender's address, contain all the details like house number, building number, street address and postal code. It comes at the top left corner. लेफ्ट कॉर्नर से आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो लिखना. द डेट कम्स बिलो द सेंडर्स एड्रेस. द रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस कम बिलो द डेट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. यूजुअली द रिसीवर्स एड्रेस कम इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स ओनली. सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में ही आप रिसीवर्स का एड्रेस लिखते हो. सैल्यूटेशन क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लेटर, वेदर द लेटर इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. आप कैसे ग्रीट करते हैं? सब्जेक्ट, द मेन पर्पस ऑफ द लेटर फॉर्म्स द सब्जेक्ट. इट इज ओनली रिटन इन केस ऑफ फॉर्मल लेटर्स. देन बॉडी आती है. डिवाइड योर लेटर इनटू पैराग्राफ. यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस. द लैंग्वेज मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड पोलाइट. ओके. द आइडियाज मस्ट बी लॉजिकल ऑर्डर. जो भी आप लिखो उसे एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखें. And the purpose of writing the letter should be clear. Okay? आपका writing का purpose clear होना चाहिए. Use the punctuations correctly. Now, there will usually be 2 marks allotted to the content of the letter. Okay? Letter का content भी बहुत important है. Where you will be marked on whether you have covered all the points mentioned in the question. कि आपने वो particular बात logically कही भी है जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है. जैसे कि अभी मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी. आफ्टर दैट बॉडी के बाद आता है द क्लोजिंग फॉर्मेट. अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज डन विथ फ्रेंडली एंड कॉर्टियस वर्ड्स लाइक योर्स अफेक्शनेटली, योर्स लविंगली, वेयर योर्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. ओके. एंड देयर इज नो एपोस्ट्रॉफी बिफोर द एस. बिलो इट द सेंडर्स एड्रेस name signature is written. Designation of the sender, अगर कोई है, ठीक है, can be mentioned in the case of the formal letters. Now, क्या point हमें remember रखने हैं? Do not use abbreviations such as want or don't. Abbreviations होते हैं ना, जैसे will not का हम लिख देते हैं want, do not का don't, is not का isn't. फॉर्मल लेटर में वो एब्रीवेशंस यूज नहीं होंगे. राइट द मंथ इफ जून, राइट जून एंड नॉट 6, ठीक है. डू नॉट एड्रेस योर क्लोज फ्रेंड एज डियर फ्रेंड. नेवर राइट रिस्पेक्टेड फादर. ओपनिंग लाइन्स लाइक हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ आर ओल्ड फैशन्ड एंड शुड नॉट बी used. अब बहुत सारी न्यू लाइन्स आ गई हैं इसकी जगह. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शन मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, योर्स लविंगली. द राइटर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर मस्ट यूज ओनली हिज और हर फर्स्ट नेम टू साइन. इनफॉर्मल लेटर में हमें पूरा नेम लिखकर साइन करने की नीड नहीं है. वेयर एज इन अ फॉर्मल लेटर इफ द सिग्नेचर इज नॉट लेजिबल द फुल नेम मस्ट बी प्रिंटेड बिलो. बी केयरफुल अबाउट द स्पेसिंग इन द बॉडी ऑफ द लेटर. द पैराग्राफ्स मस्ट ऑल बी इन लाइन, ठीक है. द प्लेसमेंट ऑफ द हेडिंग एंड सब्सक्रिप्शन. नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर.
Write a letter to the editor, Hindustan Times, about inadequate water supply in your locality. So, यहाँ पर आप लिख रहे हैं editor, the Hindustan Times, New Delhi, या आपने उनकी designations लिख दी, that editor, sir, through the esteemed column of your newspaper, I wish to draw the attention of the municipal authorities towards the inadequate water supply in our locality. It is really very unfortunate that the Municipal Corporation of Delhi is rather unconcerned about the provision of civic amenities to the public in our area in particular. Water supply gets discontinued at peak hours in the morning when everyone has to get ready for the day. Even when the supply is intact, the pressure is terribly low. All these causes a great inconvenience to everyone. इस पूरे पैराग्राफ में he has kept his problem very efficiently. Now, may we expect that the water supply will soon be regulated. Yours truly, Mayur Kothari. Okay, so now there are some topics. You can read these topics. Okay, and you can write informal or formal letter, like write a letter to your friend describing the annual function of your school. तो अब आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं. आपको format पता है, आपको सारी चीज़ें पता हैं, आपको क्या क्या चीज़ें letter में नहीं डालनी हैं, कहाँ से आपको capital letter लिखना है, कब आपको salutation लिखनी है, कब आपको sender address लिखना है. So you can pick these topics, any three topic, and you can practice the letter writing. So thank you for watching. Have a nice day.